गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखो, अब तक हमने नॉमनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड देन वी स्टार्टेड विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब तक हमने केवल एक पॉइंट डिस्कस किया है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपको पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में आर का साइज बड़ा होता जाएगा, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। बॉयलिंग पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, बॉयलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल, इनसे ज़्यादा होते हैं। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या कारण है उसका? कि OH बॉन्ड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा पोलराइज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलराइज है। क्यों? देखिए, ये OH बॉन्ड मोर पोलराइज बिकॉज इट इज अटैच्ड टू अ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ होने के कारण ये OH बॉन्ड जो है ज्यादा पोलराइज है, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी उतनी ही स्ट्रांग होगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए आप इसके बारे में, कि इन वेपर फेज और इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट, बस ये ध्यान रखना है इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट जरूरी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डाइमर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इसको इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्डेड हो दूसरे वाले बॉन्डी OH के साथ, इसका OH दूसरे के डबल बॉन्ड के साथ, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और क्या बन जाता है उनका? डाइमर। लेकिन ये पॉसिबल किसमें होता है? केवल गैसेस फेज में और ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो डाइमर बनने के कारण भी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका एविडेंस देखो, इसका एविडेंस प्रमाण आपको बताएं कि डाइमर बन जाता है, इसका प्रमाण क्या है? एक क्वेश्चन भी आता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिकुलर वेट, एसिटिक एसिड के नॉर्मल एग्जाम्पल आती है कि एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर वेट अगर हम एक्वस मीडियम में निकालते हैं तब तो उसका मॉलिकुलर वेट 60 है, लेकिन अगर हम इसका मॉलिकुलर वेट बेंजीन में कैलकुलेट करें तो 120 आता है। कारण क्या हो गया? कि बेंजीन में या वेपर फेज में डाइमर बना लेता है। डाइमर बनाने का मतलब क्या हो गया? उसका मॉलिकुलर वेट कितना हो गया? डबल हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइमर बनना। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको जनरली क्वेश्चन ये आता है, कम है, ज़्यादा है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट देखो, जैसा कि मैंने चैप्टर के शुरू में ही आपको बताया था, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो क्या है हमारा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बिफोर वी स्टार्ट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और बहुत सारे पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए इसके अंदर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग अलग पॉइंट वाइज में सबसे पहले, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया इसके अंदर कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो पहला पॉइंट तो अपन क्या लिख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक नेचर के हैं, तो क्यों हैं इसको अपन एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन जो दूंगा उसको आप ध्यान से सुनना और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बताता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं निम्नलिखित दो स्ट्रक्चर्स की क्या होती हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स। ये जो लाइन मैं बोलता हूँ ये आप सुन के अपने नोट्स में जरूर लिख लिया करें, और फिर आप देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, एज ए रिजल्ट क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी? आर सी। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ
OH या एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया O, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, तीन। अब चार्ज देखिए, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैं स्ट्रक्चर में भी आपको बता चुका हूँ पहले ये बात आपको। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ा कि ऑक्सीजन एटम जो है इसके पास कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली अपने और अट्रैक्ट करेगा, इजीली अपने और अट्रैक्ट करेगा तो प्रोटॉन इजीली दे देगा, और प्रोटॉन इजीली दे देगा इसलिए ये एसिडिक होते हैं। तो ये आपका प्रॉपर आंसर होता है इसके अंदर कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। इसको कैसे दिखाएंगे हम नेक्स्ट लाइन में, आर सी नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ एच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करके क्या दे देगा हमारे को, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस प्रोटॉन। तो ये तो हो गया कि वाई इट कैन गिव प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्यों दे सकते हैं आसानी से, इसका आंसर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड जार एसिड। दूसरी चीज इसी में अपनी ली, ये जो चीज बनी इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट एनायन। पहला कारण तो हो गया कि वाई इट कैन गिव एक्चुअली, दूसरी चीज इसी में वाई एसिडिक में क्या लिखते हैं अपन, ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए इजिली बनेगा, इसलिए क्या होता है ये आसानी से बन जाता है, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इट इज फॉर्म्ड वेरी इजीली। लेकिन जब भी आप लिखते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो आपको बना के बताना होगा कि वाई इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि वाई इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये डबल बॉन्ड ओ था यहाँ पर, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। देखिए ध्यान से क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अगर अट्रैक्ट करे अपने पास, देन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन कम एट दिस पोजिशन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ सकता है, तो उससे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी हमारे पास, आर सी यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, बस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इजीली बनता है। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वाई दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन नेचर, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं। तो दो पॉइंट इसके अंदर अच्छी तरह बताएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर से हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं अल्कोहल से प्रबल अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से स्ट्रांग एसिड होते हैं, इसका आंसर आप कैसे बताएंगे। देखिए अब इसका आंसर देने के क्या बताएंगे, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, तो हमने अल्कोहल का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि अल्कोहल या एसिडिक इन नेचर, ठीक है अल्कोहल एसिडिक है, लेकिन अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से काफ़ी कम है। क्यों कम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको कि वाई दे आर एसिडिक इन नेचर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे देगा हमको, दिस व्हाट इज दिस कार्बोक्सिलेट एनायन, मैंने अभी ऊपर लिख के बताया कि इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एल्कोहल, एल्कोहल भी एसिडिक है, कम एसिडिक है, क्योंकि एल्कोहल जो हमें एनायन देगा उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोक्साइड आयन, क्या देंगे एल्कोक्साइड आयन, वेरी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन की तुलना में बहुत ही कम स्टेबल है। इसका क्या आंसर बताएंगे, क्यों बताएंगे आंसर का, मैं देखो एक तो ये एल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम, और जबकि इसके अंदर क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
ये क्या चीज़ है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, जबकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए अल्कोहल का अल्कोक्साइड बनना कार्बोक्सिलेट एनायन बनने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में काफ़ी कम एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एज कंपेयर टू अल्कोहल। बस ये जरूर करना है आपको कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इनको आपको अपनी कॉपी में सुनकर नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत, और साथ में स्ट्रक्चर्स में सारे एक्सप्लेन करके बना ही रहा हूँ, इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चन और करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के पे चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट, एसिडिक एसिड का जो तीसरा पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर stronger acid than phenol, अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपने अल्कोहल ही पढ़ लिया, फिनॉल ही पढ़ लिया, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अल्कोहल जार एसिडिक इन नेचर, फिनॉल जार एसिडिक इन नेचर, और फिनॉल जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हैं, इसको बताने के लिए आपको दो पॉइंट बताने हैं। देखो सबसे पहले तो क्या बनाना है कि हम कार्बोक्सिलिक एनायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये क्या देगा हमको, कार्बोक्सिलेट एनायन प्लस एच प्लस फिनॉल भी एसिडिक हैं, लेकिन फिनॉल हमें क्या देता है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल कौन सा आयन देगा, फिनॉक्साइड आयन प्लस एच प्लस। अब आपको ये बताना है इसके अंदर कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक क्यों हो गया, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन बना इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इजीली बन सकता है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज कर रहा है दोनों ऑक्सीजन पर, और बहुत स्टेबल है, इसलिए ये आसानी से बन जाएगा और ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं। दैट इज कार्बोक्सिलेट एनायन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज एंड हैंस इट इज फाउंड वेरी इजिली एंड देयर फोर इट इज मोर एसिडिक। जबकि फिनॉक्साइड आयन के केस में आप क्या बताएंगे कि फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है, कार्बन पे होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है, कार्बन पे होता है, इसलिए वो कार्बोक्सिलेट के कंपेरिजन में काफ़ी कम स्टेबल है, कार्बोक्सिलेट के कंपेरिजन में काफ़ी कम स्टेबल है, इसलिए फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ इनसे क्या होती है, कम। जब भी आप ये बनाएं तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताना होगा, हालांकि पहले फिनॉल के चैप्टर में मैंने बनाई है, वापस बताएंगे, मैं बनाता हूँ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल की जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए ये नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डीलोकलाइज कर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, इस ओ पे दो रह जाएंगे, और यहाँ कौन सा चार्ज रहेगा वापस, अब कोई चार्ज नहीं रहेगा इसके ऊपर, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, देयर इज नो चार्ज ऑन दिस, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ओ इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर तो टेंडेंसी है नेगेटिव चार्ज रहने की, लेकिन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इजीली आ सकता है, जबकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, टेंडेंसी कम रहेगी, क्यों टेंडेंसी कम रहेगी, क्योंकि इट इज़ नॉट ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए जो फिनॉक्साइड आयन है कार्बोक्सिलेट की कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलेट के कंपैरिजन में काफ़ी क्या होता है, कम स्टेबल होता है, और कम स्टेबल होने के कारण फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। ये दो पॉइंट आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे।
ये तो कुछ जनरल क्वेश्चन थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट दो पॉइंट आने वाले हैं अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो इसको मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, फिर काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल दे दूंगा इसके, तो आप कर सकते हो अकाउंट से। तो उसको क्या लिखेंगे आप, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक नेचर का है, क्योंकि वो कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है और कार्बोक्सिलेट एनायन का रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग देखो कि अब हमारे पास अगर ये एल्काइल ग्रुप जो है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगा दें, छोटे बड़े, कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप वाले, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको एक ही पॉइंट समझना होता है, बहुत ध्यान से सुने उसको और उसके बाद नोट कर लीजिएगा आप अच्छी तरह से, कि जो ग्रुप कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और जो इसकी स्टेबिलिटी को कम करें वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। उसको देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, आर की नेचर देखनी होती है। तो दो पॉइंट होते हैं यहां पर आर की नेचर देखने के लिए। पहला पॉइंट है इफ आर इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, आर कैसा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, यहां पर डिस्पर्स करेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आर इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट, इफ आर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा। नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करने का मतलब है इसकी जो स्टेबिलिटी क्या कर देगा, कम कर देगा, इसकी स्टेबिलिटी कम करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। आर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, नीचे एरो लगा दें डिक्रीजेस। ठीक है, ये दो पॉइंट अगर क्लियर है आपको तो फिर कोई भी आंसर जो है एग्जाम्पल आप दे सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, अब इसके अलग से अलग अलग मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, सारे एग्जाम्पल मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, सिंपल, बहुत ही सिंपल समझने के लिए हमने, एक फॉर्मिक एसिड है और ये एक एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड में ये ग्रुप कौन सा लग गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम करेगा, इसका मतलब फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। इसी प्रकार और एग्जांपल, ये क्वेश्चन कैसे आता है, इनके ऊपर अलग अलग एसिड दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में आप लिखें। दूसरी एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको मैं एसिटिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड आइसोब्यूटायरिक एसिड टर्शियरी ब्यूटायरिक एसिड। अब देखो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यहाँ पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर दो लग गए और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, दैट इज एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन प्रोपेनोइक एसिड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, इट इज स्ट्रॉन्गर। इनको हम रट नहीं सकते, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम इसके जो है आंसर जो है बहुत अच्छी तरह हम दे सकते हैं। और एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपको इसके से हमारे पास है क्लोरोएसिटिक एसिड और एक हमारे पास है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो लग गया क्या लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग गया। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगने से क्या हो गया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफ आर इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, तो क्लोरोएसिटिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू दिस एसिड। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैंने बताया ए ग्रुप लगाया फ्लोरोएसिटिक एसिड,
फिर हम लें क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर हम ले रहे हैं ब्रोमो एसिटिक एसिड और फिर आयोडो एसिटिक। अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे, सब में मैंने हैलोजन लगाया अल्फा पोजीशन पर। अब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट, फ्लोरीन इज का बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट, इसका कम है, इसका और कम हो गया और इसका आयोडीन का बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस, दिस इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस। सिमिलरली हम ऐसा कह सकते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखिए इसके अंदर, इसके अंदर हमने तीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा रखे हैं, इसके अंदर केवल दो ही लगे हुए हैं और इसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगेंगे, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, ज़्यादा। तो दिस इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस, दिस इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस, डन। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लें, मान लो देखो इसका पोजिशन का फर्क देखते हैं, CH3 CH2 CHCOH, क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, फिर CH3 CH CH2 COH और फिर ले लिया Cl CH2 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 COH। चारों एग्जाम्पल ब्यूटायरिक एसिड के थे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो पोजिशन नंबर 2 पे क्लोरीन लग गया है, पास लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पोजिशन नंबर 3 पे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग रूम थोड़ा दूर है, यहाँ पर पोजिशन नंबर 4 पे है दूर, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका इफेक्ट उससे थोड़ा क्या रहा, ज़्यादा रहा, और इसका इफेक्ट क्या रहा, बहुत ही ज़्यादा रहा। तो यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, उतना इफेक्ट कम होता जाएगा, हैंस दिस इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस, दिस इज मोर एसिडिक लाइक दिस। आई होप एसिडिक स्ट्रेंथ है, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सारा काम बाकी है, बहुत और एग्जाम्पल बता सकते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इससे कंटिन्यू करेंगे। कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।